आए हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान साहबान व मौजूद हाजरीन, मैं सबसे पहले डीसी साहब को ये मुबारक पेश करता हूँ इस दूरदराज इलाके की तरफ से। बनी का चक्कर लगा के भंडार गए, भंडार से आकर ढगर रुके। देखो कितनी खुशकिस्मती है इस इलाका की, ये ड्यू टू रोड कनेक्टिविटी जो हमारी हुई इसके बिना पर, वरना कठुआ से चलकर भंडार पहुंचना और भंडार से चलकर ढगर पहुंचना नामुमकिन था। ये तो एक हफ्ते का टूर होता तब मुकम्मल होता था। तो मैं डीसी साहब को मुबारक पेश करता हूं कि अपने इस बिजी शेड्यूल में इतने दूर दराज इलाके का जो चक्कर लगाया और लोगों की समस्या सुनी, तो कुछ समस्याएं जो हैं वो मौके पर हल हुई। जैसे भंडार में, तो भंडार के लोगों ने इतना स्वागत किया कि हमें पहली दफ़ा 40 साल में, पहले एक डीसी साहब आए थे जो कि भद्रवाह के थे, उन्होंने एक टूर किया था इस पसमंदा इलाके का। उसके बाद कोई डीसी साहब जितने भी आए नहीं, भंडार तक नहीं पहुंच पाए थे, तो उन्होंने बहुत स्वागत किया। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, सरपंच साहब ने बता ही दिया, लेकिन मैं सर एक डिमांड करना चाहूँगा इन गरीब जनता की तरफ से कि ये जो PMGSY का रोड है, ये बेसिकली चलोग टू दमान था, लेकिन सर इसको जोड़ा जाए बनी के साथ, एक ही इसका हेडर है, एक ही उसमें आए, ये PMGSY में आए तब के ये रोड अच्छी तरह मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। दूसरा सर मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि ये जो PMGSY का रोड बना, तो इनकी गरीब लोगों की जो ज़मीन है आई उसका आज तक मुआवजा नहीं। और ये मैं कहना चाहूँगा, कसम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन गरीब लोगों की तरफ से कि बेचारे ना तो वहाँ से घास काट रहे हैं, ना वहाँ से फसल उठा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने दिल खोल कल रोड के लिए ये देने के लिए जब तैयार होता है आदमी, तो अगर गवर्नमेंट मदद करती है इन टाइम इनकी मदद होनी चाहिए और वो मुआवजा इनको मिलना चाहिए।